very good morning to all of you students. How are you all? I hope you all will be fine at your home. Students, this is your math class. Now take out your math book and open page number 43. Students, आप लोगों ने exercise 3.7, 3.8 last class में समझ लिया था. I hope आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा. आज हम लोग कौन सी exercise पढ़ेंगे? Exercise 3.9. इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को एस्टिमेशन द नंबर सीखना है. ठीक है, एस्टिमेटिंग द सम, एक्सरसाइज 3.9. स्टूडेंट्स राउंडिंग ऑफ नंबर्स आप लोगों ने सीखा था, मैंने आपको सिखाया था राउंडिंग ऑफ नंबर्स. ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है, राउंडिंग ऑफ नंबर्स ही करना है, देन उसको क्या करना है, ऐड करना है. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स 38, राउंडिंग ऑफ टेंस में किसके राउंड ऑफ है, 40 के. मैंने आपको बताया था ना वंस प्लेस देखते हैं, वंस प्लेस क्या है, ग्रेटर देन 5 है तो वंस प्लेस क्या हो जाएगा, 0, और टेंस प्लेस में क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया 40. इट मीन्स 38 किसके राउंडेड ऑफ है, 40 के. क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट हमारा, 44. इसमें भी स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, वंस प्लेस को देखेंगे. वंस प्लेस कितना है हमारा, 4 है. 4 इज लेस देन 5. अगर हमारा वंस प्लेस लेस देन 5 होता है तो हमारे टेंस प्लेस में कोई भी चेंजेस नहीं होता है. बट अगर हमारा जो वंस प्लेस है वो ग्रेटर देन 5 होता है, ठीक है, जैसे 8 था ग्रेटर देन 5 था, तो हमारा जो टेंस प्लेस होता है वो वन नंबर इंक्रीज हो जाता है. अब यहाँ पे क्या है, 4 हमारा लेस देन 5 है, तो वंस प्लेस की जगह पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0, और टेंस प्लेस में हम लोग कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा 4. यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 40. अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे स्टूडेंट्स. यहाँ पे क्या होगा 0, और यहाँ पे क्या होगा 80. ये तो हो गया हमारा एस्टिमेटिंग सम. ठीक है, ये क्या हो गया, एस्टिमेटिंग सम. और ये क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्चुअल नंबर था, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्चुअल सम. ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स कितना आएगा, 8 में 4 ऐड करेंगे 12, 1 कैरी होगा, कितना होगा 8. यहाँ पे क्या आ रहा है 82, और यहाँ पे क्या आ रहा है 80. इट मीन्स क्या है, जो हमारा एक्चुअल सम है ये 2 नंबर डिफर है फ्रॉम द एस्टिमेटिंग सम से. जब हम लोगों ने नंबर्स को एस्टिमेट करके ऐड किया तो कितना आया 80, और जब हम लोगों ने उसका एक्चुअल एडिशन किया तो कितना आया 82. इट मीन्स कितने नंबर का फर्क हो रहा है स्टूडेंट्स, 2 नंबर का फर्क हो रहा है. यहाँ पे 82 है और यहाँ पे क्या है 80 है. इसी तरह स्टूडेंट्स हम लोगों को सारे सम्स करने हैं. एक्सरसाइज 3.9 में देखिए, एस्टिमेट ईच सम बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट 10. फर्स्टली हमको क्या करना है, नंबर्स को एस्टिमेट करना है किसके अकॉर्डिंग, नियरेस्ट 10 के अकॉर्डिंग. ऑल्सो फाइंड देयर एक्चुअल सम, और उसको ऐड करना है, देन उसका एक्चुअल सम भी फाइंड करना है. स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.9 का क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग क्या देखेंगे, ए पार्ट सॉल्व करेंगे. ए पार्ट में क्या दिया गया है, 82, और नीचे क्या लिखा हुआ है, 46, ऐड करना है. ठीक है, अब सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एस्टिमेट करेंगे. ठीक है, क्या करेंगे, इसको एस्टिमेट करेंगे. एट्टी टू को एस्टिमेट करेंगे स्टूडेंट्स. टू क्या है, टू इज लेस देन 5. ठीक है, तो टू की जगह पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0, और लेस देन 5 है. इट मीन्स 8 में हमारा कोई भी चेंजेस नहीं होगा. तो 82 इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 इज 80. देन सेकेंड क्या है हमारा, 46. 6 इज ग्रेटर देन 5. 6 इज ग्रेटर देन 5, सो वंस प्लेस इज 0, और क्या करेंगे स्टूडेंट्स, टेंथ प्लेस में हम लोग 1 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 50. 46 इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 इज 50. अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम लोग ऐड करेंगे. 0 में 0 ऐड करेंगे 0 ही होगा, और 5 में 8 ऐड करेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट्स, 13. अब ये क्या है, एक्चुअल सम. ये जो नंबर हमको दिया गया है उसको ऐड करेंगे तो वो क्या होता है, एक्चुअल सम.
और ये क्या किया हमने, नंबर को एस्टिमेट किया, देन इसको ऐड किया, तो इट मींस क्या हुआ ये एस्टिमेटिंग सम। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 6 to 8 और 8 और 4 12। स्टूडेंट्स यहाँ पे 128 है और यहाँ पे कितना है 130 है। इसमें भी स्टूडेंट्स कितने नंबर का डिफरेंस आ रहा है, 2 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे क्या है 28 और यहाँ पे क्या है 30। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, 87 और सेकंड एडेंट क्या है हमारा 29। स्टूडेंट्स 87 को एस्टिमेट करेंगे तो क्या होगा, 87 वंस प्लेस इज ग्रेटर देन 5, सो वंस प्लेस इज 0 एंड 8 इज इंक्रीज बाय 1, क्या हो जाएगा, 1 नंबर इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 29। 9 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 5, सो वंस प्लेस इज 0 और 2 की जगह पे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 3, 1 नंबर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे दोनों वंस प्लेस दिए गए हैं ये क्या है, दोनों ग्रेटर देन 5 है, तो वंस प्लेस क्या हो जाएगा हमारा 0 और टेंस प्लेस क्या हो जाएगा हमारा 1 नंबर इंक्रीज हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे कितना होगा स्टूडेंट्स, 116 और इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट्स 120। ठीक है, हमारा जो एस्टिमेटिंग सम है ये क्या है, एस्टिमेटिंग सम और ये क्या है हमारा एक्चुअल सम। क्या है स्टूडेंट, जो हमारा एस्टिमेटिंग सम है ये क्या है 4, क्या है 4 ज्यादा है किससे, हमारे एक्चुअल सम से। एक्चुअल सम हमारा कितना है 116 और जो हमारा एस्टिमेटिंग सम है वो कितना है 120। ठीक है, तो कितने का डिफरेंस है बीच में, इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स का डिफरेंस है, 4 नंबर का डिफरेंस है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? इसी तरह हम लोगों को आगे इसके सम्स करने हैं। आप लोगों को यहाँ पे जो स्पेस दिया गया है आप लोग बुक में एक्चुअल सम करेंगे, देन इसी के आगे आप लोग क्या करेंगे इसका एस्टिमेटिंग सम करेंगे, और जो कॉपी में वर्क करना है उसके लिए मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगी तब आपको वर्क करना है। ठीक है, नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, एस्टिमेट ईच सम बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। अभी तक आप लोगों ने राउंडेड ऑफ नंबर्स क्या किया था, नियरेस्ट 10, अब हम लोगों को क्या करना है नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 करके उसको हमको एक्चुअल सम के साथ में एस्टिमेटिंग सम भी फाइंड करना है। ठीक है, ए पार्ट में क्या लिखा हुआ है 252, देन 687। ये भी मैंने आपको स्टूडेंट सिखाया था। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोगों को नियरेस्ट 100 करना होता है स्टूडेंट, तो हम लोग कौन से प्लेस को देखते हैं, टेंथ प्लेस को देखते हैं। ठीक है, हमारा वंस प्लेस ऑलरेडी 0 हो जाता है और हमारा टेंथ प्लेस क्या है, इक्वल टू 5 है और ग्रेटर देन 5 है। अगर इक्वल टू 5 है या ग्रेटर देन 5 है तो क्या होता है हमारा 100 1 इंक्रीज हो जाता है और हमारा टेंथ प्लेस क्या हो जाता है 0। ठीक है, टेंथ प्लेस क्या हो जाएगा 0, इक्वल टू 5 है, इट मींस यहां पे कितना हो जाएगा 3। 252 इज राउंडेड ऑफ टू द, किसके राउंडेड ऑफ है, नियरेस्ट 100 में 300 के। देन सेकंड क्या है हमारा, वंस प्लेस तो वैसे भी 0 हो जाएगा, देन टेंथ प्लेस इज आल्सो ग्रेटर देन 5,
सो 10th प्लेस इज 0 एंड 100th प्लेस इंक्रीज बाय 1, ठीक है, 1 नंबर और इंक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा 700। क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे, सेवन में थ्री ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा 10, सेवन में टू ऐड करेंगे 9, एट में फाइव ऐड करेंगे 13, कैरी 1, 6 2 8 1 9, स्टूडेंट्स कितना हुआ 939। और हमारा जो एस्टिमेटिंग सम हमारा कितना है 1000, ठीक है, कितने का डिफरेंस हो रहा है स्टूडेंट्स, 61 नंबर का डिफरेंस यहाँ पे हो रहा है, एस्टिमेटिंग सम हमारा 1000 है और हमारा एक्चुअल सम कितना है 939। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, इसके के जो रेस्ट ऑफ पार्ट्स हैं वो आपको खुद से करने हैं बुक में, और कॉपी के लिए आपको PDF सेंड की जाएगी। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.10 क्या दिया गया है क्वेश्चन, फ्रेम द वर्ड प्रॉब्लम फॉर ईच स्टेटमेंट, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एक वर्ड प्रॉब्लम का सम्स क्रिएट करना है, ठीक है, सम बनाना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 20 + 7 = 27, तो इसका हम लोग वर्ड प्रॉब्लम कैसे बना सकते हैं, जैसे यू हैव 20 टॉफीज, ठीक है, और आप यू हैव 20 टॉफीज आपके पास में है एंड योर सिस्टर गिव्स यू 7 टॉफीज मोर, आपके पास में इक्वल टू कितनी टॉफीज हो गई 27, ठीक है, तो हाउ मैनी टॉफीज डज यू हैव, कितनी टॉफीज आपके पास में हो गई उसको टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। ऐसे स्टूडेंट्स छोटी छोटी वर्ड प्रॉब्लम आपको क्रिएट करनी है, आप खुद से बनाने की इसको कोशिश करेंगे, ठीक है, और इसको हम लोग कॉपी में करेंगे, मैं आपको PDF सेंड करूँगी तो आप लोग इसको कॉपी में भी करेंगे। ये आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 3.10, आपको करने की कोशिश करनी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।